नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। ये महिंद्रा 575 DI XP प्लस, ये एम लिफ्ट वाला है, टॉप मॉडल है पावर स्टीयरिंग में। इनसे इनके आज ओनर से पता करेंगे कितने का आया और कैसा चल रहा, तेल का एवरेज सारी डिटेल लेंगे इनसे। इसमें जो है 650 के जी, 650 के और 14 के, 14/28 के पिछले टायर है सारी। इसमें 13 का भी ऑप्शन आ रहा है और इसमें जो है ये इन्होंने बताया है कि जैसे ये चला रहे हैं, इन्हें सारी डिटेल देंगे। इन पर पहला भी है, दूसरा भी है और इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। इसमें आगे वेट दे रखा, वेट कितना होएगा जी? आगे वेट तो ऐसे होगा 50 किलो, इसमें अंदर भी रखा है 50 किलो वेट है अंदर, है 50 किलो अंदर है, अंदर इसमें रखा हुआ है। तुमने रखा है कंपनी? कंपनी से जाली के अंदर है। देखो जी, इसमें जाली के अंदर भी वेट दे रखा है। इसमें अंदर देखो, दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। यू अंदर कितना है जी इसमें? 40 किलो करीब। टोटल लमसम 100 किलो के लमसम, 1 क्विंटल के लमसम में वेट दे रही है कंपनी। यू तो ठीक कर रही है कंपनी, यू ठीक कर रही है कंपनी, 1 क्विंटल के लमसम में आके इसमें वेट दे दिया। और एक इसकी ड्रॉबार पट्टी छोटी है तो उठने की दिक्कत खत्म है। छोटी मतलब पहले लंबी थी वो, ये इनकी जो ये है। अच्छा, ये छोटी कर दी है अब, थोड़ी बहुत फर्क कर दिया। ये एक जोतने का है जी, अभी इनसे बात करेंगे इनसे। अच्छा जी, अपना नाम बताओ, कहाँ से हो आप? नाम मेरा मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद कहाँ से हो जी आप? ग्राम आड़। आड़ से जी। अच्छा, जैसे जी तुम इसे चला रहे हो, तुम इसे लाए हो, पहले तो ये बताओ कितने महीने हो गए इसे? ये 1 महीना 7 तारीख में होगा। 1 महीना 7 तारीख में होएगा। अच्छा, इसे जैसे तुम लाए हो और इसे चला रहे हो तो डीजल का खर्चा क्या नापा तो होएगा? देखो ठीक है, लीटर बिकेगा। और जैसे रोड पे चला रहे हो, इसका क्या है? रोड पे आ जाएगा 15 का एवरेज दे देगा। 15 का तो ना देगा, दे दे ना दे देगा। महिंद्रा 265 भी 7-8 पेंट कर दे। हाँ चलो, 7-8 का ही कर लो। इसमें देख लो, 4 सिलेंडर बॉस कंपनी का इनलाइन पंप है, अभी तक कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं। अब छी एक बात बताओ, जैसे कि तुम बता रहे हो इसमें एम लिफ्ट वाला है, तो तुमने इस पर कल्टीवेटर चला के देखा है? तो पूरे लीवर छोड़कर आराम से चलाया? सब चीज पे पूरे लीवर छोड़ के चलाता हूँ, सब चीज पे। तो मतलब कि रोटावेटर एक जोतने का हो, खेत जोतने का हो, टीलर हो, कोई भी। तो तुम पे पहला पहला सादा वाला भी है? हाँ, सादा वाला बहुत पहले था। अच्छा, उसमें ठानी पड़ेगी? हाँ, उसमें उठानी पड़ती थी, इसमें रोटर पर साइड में घुमाते वक्त उठानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अपने आप कंट्रोल करो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने यू ट्रैक्टर लिया है और तुमने पहला भी चला रहा और तुम पे 575 XP+ पहला एक है और है, वो भी एम लिफ्ट वाला ही है? एम लिफ्ट ही है। एम लिफ्ट ही है, तो इनमें कुछ एम लिफ्ट में कमी दिखाई दी है कुछ? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है ऐसी। ट्रैक्टर में आगे से पीछे तो कुछ भी कमी नहीं है? कमी नहीं है, बस जो वो एक बोल्ट की कमी थी वो अच्छा, हमने उसमें दूर कर दी। यू वाली इसमें नहीं हुई है अभी। हाँ, वो दूसरे वाले में सुराख करके चूड़ी खींच के किसान कंपनी वालों से ये सुझाव है कि देखो इसमें एक बोल्ट की यहाँ पे कमी चल रही है, इस बोल्ट को जैसा करना है इसमें बोल्ट लगा के देना या फिर कुछ करके देना। इस बोल्ट की वजह से देखो यहाँ पे नमी है। हाँ, यूरी यू यहाँ पे नमी है, दिखाना चाहूंगा यूरी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कंपनी वालों से गुजारिश है कि थोड़ा सा यहाँ से सुधार करें। वैसे इसमें 13 के भी टायर आए हैं जी, तुमने 13 का ऑप्शन क्यों ना लिया? जैसे तुम जुताई की करो, 14 का ऑप्शन इसलिए लिया है क्योंकि हम पैड वाली मशीन भी चलाएंगे इस पर। पैड वाली मशीन भी चलाओगे? आलू बोने वाली और गन्ना बोने वाली भी है, वो भी इस पे चलाओगे? इस पे नहीं चलती, 485 पे चलती है फिलहाल, अगले साल इसी पे चलेगी। अच्छा 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 अच्छा, किसान भाइयों मैं इनका बताना चाहूंगा, ये इनका कार्ड है देख लो, ये रहा। किसी भाई को अगर जरूरत हो इसकी, या फिर मतलब कि इसमें गेहूं काटने की, आलू बोने की और तुम्हारा ईंख बोने की और गेहूं जुतवाने की, गेहूं बोने की, गेहूं नहीं ईंख जुतवाने की, गेहूं बोने की जरूरत हो तो। अब एक बात बताओ, जैसे तुम इसे ईंख को जोत रहे हो जी, क्या रुपए बीघा जोत रहे हो? हम जोत रहे जो 5 बीसे का बीघा है, 5 बीसे का बीघा तो वो है 200 रुपए बीघा जी। 10 किलोमीटर के एरिया में, हमारे इधर तो 5 बीसे का ही बीघा है ना। हाँ, तुम्हारे यहाँ बिजोली में
सात बीसे का है, सात बीसे का वहाँ 300 रूपए बीघा है, 300 रूपए बीघा, इधर पाँच बीघे, इधर पाँच बीसे का तो वहाँ 200 रूपए बीघा। यू एरिया क्या है जी? यू छतरी, छतरी, छतरी। अच्छा तुम आड़ के हो, आड़ तो के आड़ से लेकर 10 किलोमीटर का रेंज में तुम जा सको, 20 किलोमीटर के रेंज में चले जाएंगे, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में तो यू है कि किसी के 5 का हो 6 का हो उसे जो उतने चले जाएंगे। अगर 20 किलोमीटर में जाते हैं तो उसे जो है थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा चाहिए, भाई 10 बीघे 12 बीघे 15 बीघे ऐसा तो हो, देखो जो थोड़ा सा दिक्कत तेल का माइलेज निकल। हाँ तो अपना तुम इसमें नंबर में तुम्हारा इसका उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी, ठीक है। और किसी भाई को अगर जुटवानी हो, अच्छा एक बात और बताओ इस पे यू तुमने अब तक किस किस चीज पे चला लिया? ये हमने चला लिया गेहूं मशीन पर। गेहूं मशीन पे क्या डीजल एवरेज आ जा इसका? अभी तो ऐसा तो नाप के हमने कभी देखा नहीं, खुल के चलता होगा पूरा, खुल के चलता है। क्या है उसकी है जी मशीन? मशीन है जी 80 हॉर्स पावर की, 80 हॉर्स पावर की, 17 के रेस पे चलता है, 1700 RPM पे। हाँ अच्छा अब तुम इसे थोड़ा सा यहाँ से चला के दिखाओ इसे, देखो अब किसान भाइयों इसमें मैं चला के दिखाऊंगा तुम्हें, तो क्या शानदार आवाज है, स्टार्टिंग कितनी प्यारी है इसकी ट्रैक्टर की। चलता हुआ दिखाऊंगा तो पैर है इसे देख लो जी, ये क्या है वाला। देख लो भान कर रहा है चोखा, तो कितने चक्करों पे चला रहे हो जी तुम इसे अब? कितने चक्करों पे चला रहे हो? दूसरे के में, पहले के में, दूसरे में, पहले में चली हो? 540 इसके 1200 RPM पे 540 निकल जाओ। अच्छा इस किसान भाई इसके 1200 RPM 540 निकल रहे हैं चक्कर, और देख लो पूरा भान कर रहा है इसका। इसकी एक चीज देखो बिल्कुल भी ना इधर ना इधर, कोया कोई सा नहीं काट रहा, बीच बीच में जुताई कर रहा है देख सकते हो आप। जी एक बात और बताओ, ये जो इसमें ये पाइप से दे रखे हैं ये किस चीज के लिए हो? ये SCL के पाइप है। अच्छा इसमें अलग, इसमें अलग अलग तीन गियर बक्स मान लो, गियर बक्स है बीच में, सेंटर गियर बक्स है इसमें बीच में, तो ये सेंटर जो गरारी वाला गियर बक्सा है, और इसमें वैसे वाला रूटर है, चैन वाला नहीं, गरारी वाला ही है ना, गरारी वाला। किसान भाइयों, किसान भाइयों 14 के टायर हैं, और ये है ये कुछ होते हैं, और मैं तुम्हें दिखा दूं, देखो इसका जो भान है भान ये रहा, देखो कितना गहरा भान है, 5-6 इंच की वाहन है, बढ़िया जुताई कर रहा है, बढ़िया वाहन कर रहा है, बिल्कुल भी कोई भी कमी पेशी नहीं है, कोई भी कमी दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों अगर किसी भाई को करवाना हो तो देखो पहले चले गए है हल, और अब फिलहाल चल रहे हैं ये, जो भी बढ़िया चीज है हल का, तो देखो कोई जवाब ही ना, 575 XP+ एम लिफ्ट वाला, देखो हाइड्रोलिक सेंसिंग इसकी बहुत बढ़िया है सच में। मेरे हिसाब से अब इनसे पूछेंगे कि यू कितने में लिया इन्होंने, भाई एक बार थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कितने में लिया यू, अब इनसे पूछेंगे। अच्छा जी एक बात और बता दो, यू तुम्हें कितने में पड़ेगा ट्रैक्टर? ऑन रोड 6,40,000 रूपये का, और जो इसमें वो वाली सादे वाली लिफ्ट आ रही है, वो हाई लिफ्ट वाली, वो कितने का पड़ रहा? 25-30 हजार का। पावर स्टेयरिंग और मैकेनिकल स्टेयरिंग में फर्क होएगा? अगर इसे मैकेनिकल स्टेयरिंग ले लगा वो कितने का पड़ जाएगा? 6,20,000 का। तो अगर जैसे आप, तुम्हें बताया कितने का जी कंपनी ने?
उन्होंने छह साठ का 46 का दिया। जान भैया वीडियो जैसी लगी लाइक करना, शेयर करना और कमेंट।